हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल पूजा पूजा कुमाऊनी ब्लॉग्स में। और जैसे ये देख रहे हो, आज तैयार हो रही हूँ मैं प्रोग्राम से आने के बाद। मैं सो गई, सोने के बाद फिर मैं रात के शाम को उनका व्रत तोड़ना था उन लोगों को, दीदी और रेखा को। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ कान्हा जी के मंदिर चलते हैं, तो कान्हा जी के मंदिर जाने के लिए हम सब हुए रेडी। सब लोग, मैं, दीदी और हम और सब लोग निकले। हम एक मंदिर तो पहले गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ था, वहाँ कीर्तन भजन 6 तारीख को ही हो गया था। तो इस वजह से हम खाली गए, वहाँ माथा टेका हमने और कान्हा जी का झूला झुलाया हमने। वहाँ से हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हमें वहाँ पे। तो हम लोग सब लोग थोड़ी देर वहाँ पे थे और रेखा ने भी माथा टेका और झूला झुलाया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन, बहुत अच्छी थी यहाँ की, तो सब लोग मतलब बहुत कम लोग थे वहाँ पे। तो उसके बाद रेखा ने झूला झुलाया, फिर मैंने झूला झुलाया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल गए थे। ये पहला मंदिर हमने घूम लिया था और कान्हा जी की मंदिर आके मैंने झूला झुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत कम ही मंदिर वगैरह पे झूला झुलाने गई हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ। तो पहले भी झुलाया, पर यह है कि मैं बहुत टाइम बाद मंदिर पे आके झूला झुलाया था मैंने कान्हा जी का। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद मैंने हनुमान जी के वहाँ पे अपना मत्था टेका था और रेखा ने भी वहाँ पे मत्था टेका थी शिव जी भगवान के सामने। उसके बाद हम लोग अंदर जहाँ पे कीर्तन भजन हो रहे थे वहाँ पे, तो कीर्तन भजन कल ही हो गए थे, इस वजह से हम लोग वहाँ पे खाली मत्था टेका था। बहुत सारे फोटोज़ लगे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद गए हम दूसरे मंदिर, मठ मंदिर है वहाँ पे, मठ मंदिर गए थे। बहुत अच्छा, वहाँ बहुत अच्छा था। वहाँ कीर्तन भजन बहुत देर तक होते थे, रात के 12-1 बजे के तक वहाँ कीर्तन भजन होते हैं। तो हम लोग वहीं निकले थे। वहाँ निकलने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे डेकोरेशन देखे वहाँ पे, कितना अच्छा दिख रहा है ना, और मंदिर बहुत प्यारा है। और हम लोगों ने उतारे यहाँ पे चप्पल, चप्पल उतारने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने चप्पल कहीं साइड में उतारे और वहाँ से निकले हम ऊपर। ऊपर जाने के बाद हमने देखा, बहुत प्यारा लग रहा था अंदर। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने ऊपर, बहुत भीड़ भी थी, तो इस वजह से भीड़ में जाने के बाद हमने सोचा एक बार ऊपर गए हम लोग। और मैं ब्लॉग बना रही थी, सब लोग देख रहे थे मेरे को, तो देखने वाले तो देखते हैं, हम लोग वीडियो बना रहे थे। ऊपर गए हम, पहले एक चक्कर लगाया वहाँ पे जाके। मुझे बहुत शौक हो रखा था सर पे चंदन का टीका लगाना, कान्हा जी का जो टीका लग रहा था, तो मैंने वो ढूंढा और हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए। और इस लाइन में बहुत भीड़ थी, तो मैं दूसरी लाइन पे मैंने दीदी लोगों को बोला कि दूसरी लाइन पे चलते हैं, तो दूसरी जगह खाली था। तो मैं, दीदी और मैं और प्रेरणा, हम वहाँ पे चले गए थे। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले लगाया दीदी ने, दीदी हुई बहुत खुश, दीदी के फेस में स्माइल देखो। और उसके बाद प्रेरणा ने आँख बंद करके, छोटी बच्ची बन गया था बाबू। फिर उसके बाद मैं तो बहुत खुशी रहती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। इसके लिए तो मैंने दीदी लोगों को बहुत परेशान किया था कि मुझे ये टीका लगाना है। उसके बाद तो राधे वाला टीका कहीं पर मिला नहीं, तो इस वजह से हम लोगों ने लगाने के बाद हम गए वहीं पे मंदिर था। मंदिर पे हमने फिर से दोबारा मत्था टेका था और उसके बाद अंदर कीर्तन भजन हो रहे थे। कीर्तन भजन में भी अंदर बैठे थे, पहले हम यहीं पे खड़े थे और बहुत प्यारा लग रहा था मंदिर, बहुत प्यारा सजाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और हम लोगों ने थोड़ी देर कीर्तन भजन करे वहाँ पर, मत्था टेका। मुझे तो बहुत सुकून मिला मंदिर में जाके, ये मंदिर बहुत प्यारा है। बहुत दूर दूर से आ रहे थे लोग इस मंदिर के लिए, तो दीदी ने भी बताया था कि ये मंदिर बहुत प्यारा है और ये मंदिर भी बहुत लोग आते रहते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो इसके बाद गए हम अंदर, अंदर कीर्तन भजन हो रहे थे और कान्हा जी की जितनी मतलब उनके बारे में जितना होता है कथा, तो वो सारी चीज़ें बताई जा रही थी कि कृष्ण जी ने ये किया वो किया, कृष्ण जी ने जो भी था, तो वो सारी चीज़ें बताई गई थी। तो अंदर सारी चीज़ें हो रही थी और हम लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मन को शांति मिली थोड़ी देर के लिए। पर ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। थोड़ी देर ही रहे अंदर और अंदर थोड़ी देर रहने के बाद फिर बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमने लिया प्रसाद,
दीदी और मैं अंदर से बाहर आ गए थे और रेखा और प्रेरणा थोड़ी देर के बाद आए थे। उसके बाद हमने प्रसाद लेने के बाद हम थोड़ी देर दूसरी जगह पे, वहीं पे फ्लोर था खाली खुला था, तो वहाँ पे पंखे वंखे लगे थे, तो वहाँ पे हवा खाने के लिए बैठ गए। और बहुत लोग उधर से जहाँ गर्मी होती है वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे मंदिर बनाया था, एक छोटा सा झूला झुलाने के लिए मंदिर बनाया था, तो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। बहुत ठंडा लग रहा था यहाँ पे, तो इस वजह से सभी लोग नीचे आराम से बैठ के देख रहे थे, बगल से लगा हुआ था, तो इस वजह से हम लोग सब लोग वहाँ पे बैठे थे। और वहाँ पे झूला झुलाने के लिए भी था, तो झूला झुलाया सबसे पहले रेखा ने झूला झुलाया था। यहाँ पे रेखा ने झूला झुलाने के बाद रेखा झूला और लोग झुला रहे थे, ये खड़ी थी, मैं इसको कब से बोल रही कि झूला झूला, फिर इसको बड़ी मुश्किल से झूला मिला था झुलाने के लिए। और दूसरा झूला था हमारा, ये हमने दूसरा झूला यहाँ पे झुलाया था दूसरे मंदिर में आके, और फिर उसके बाद मैंने झूला झुलाया था। और यहाँ पे झूला झुलाने के बाद मैं हुई बहुत खुश, और इसके बाद मैं चाह रही थी कि कोई छोटा सा कृष्णा मुझे मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, मैं बोल नहीं पाई थी किसी को, पर मिले तो थे, बहुत बच्चे आए थे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए थे झूला झूलने के लिए, और सब लोग हम लोग देख रहे हैं, और ये इतने प्यार से देख रहे, क्योंकि इसको डांस आता नहीं है, तो डांस आता है पर करती नहीं है ये डांस। और वहाँ पर एक बच्ची उस पर डांस कर रही थी, कान्हा जी के गानों पर डांस कर रही थी, उसको देखी जा रही थी। और उसके बाद सब लोग बैठे ही थे बहुत देर तक, और दीदी के फेस में इतनी स्माइल है, दीदी को खुशी हो रही है, और बगल वाली को देखना इतनी नाराज़ है, पता नहीं किसको देख के इतना गुस्सा आ रहा है इसको पता नहीं किसको ढूंढ रही थी। और उसके बाद हमें मिली छोटी सी एक बच्ची, उसका मैंने बनाया वीडियो, बहुत प्यारी लग रही थी, पूरे फर्श पे मतलब घूमने जा रही थी। और ये बहुत प्यारी थी और बहुत खेल रही थी, बहुत अच्छी बच्ची थी ये, और इसको मैंने बहुत परेशान किया वहाँ पे, जब तक मैं वहाँ पे मैं इसके साथ थी तब से मैं इसको परेशान करी जा रही थी, परेशान किया इसको, और सबको देखी जा रही थी, किसी के पैर बनाए करके डर भी लग रहा था। और फिर इसके बाद मिली मुझे एक प्यारी सी कान्हा, और उसको वहाँ पे बैठाया हमने, कान्हा जी के वहीं पे बैठा के, उसके बाद दीदी ने ली उसके साथ फ़ोटोशूट करा, और मैंने उसकी वीडियो बनाई, और कितनी प्यारी लग रही है कान्हा ना, कितना अच्छा सा से तैयार किया है उसको, कितना ही प्यारी सी स्माइल है, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं यार, जो कान्हा बनते हैं ना जैसे कान्हा जैसे ही लगते हैं पूरे, इतने प्यारे से बच्चे होते हैं। तो दीदी ने खींची फ़ोटो और मैंने भी खींच ली थी फ़ोटो। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, सारे सब लोग निकलने के बाद हम लोग गए थे तीसरे मंदिर, दीदी ने बताया था आगे भी एक मंदिर है कान्हा जी का, तो हमने बहुत सारे मंदिर घूमते घूमते आ गए थे, तो दो तीन मंदिर या चार मंदिर घूमे थे, ये है तीसरा मंदिर अभी हमारा। और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे भी झूला झुलाया, बस ये है कि मैंने वीडियो बनाना भूल गई थी, वहाँ पे झूला झुलाने का वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ी देर ही गए थे, यहाँ पे भी कीर्तन भजन हो चुके थे, तो उसके बाद और वहाँ से निकले हम, निकलने के बाद चौथे मंदिर भी गए थे, पर वहाँ पे मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, वहाँ से सीधे घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद पिया हमने पानी वानी, आराम से बैठे, वहाँ से बैठने के बाद मैं दीदी लोगों ने मेरी एक वीडियो बनाई, वो वीडियो भी डालना भूल गई, और फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करा, रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद हम लोग सो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, थैंक यू।